देख रहे हैं खटपट न्यूज़। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साह ने बताया कि जल्द ही कार्यकारिणी की घोषणा होनी है, जिसमें पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा व उभरते नए चेहरों को भी संगठन में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर के भाजपा कार्यकर्ता अमित अग्रवाल चौधरी ने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने के पश्चात ही सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। देखिए, अभी पार्टी संगठन ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय भी कर दिया है कि अब एक भारतीय जनता पार्टी में नए युवाओं को जोड़ने का काम जो है युवा मोर्चा के माध्यम से करेंगे। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में नए युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जोड़कर उन्हें आज पार्टी में लाने का यह संकल्पित मेरा भी रहेगा। राजनीतिक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी ऊर्जावान जिला अध्यक्ष मिले तो विपक्ष अपनी भूमिका जोरों से निभाएगी। साथ ही एक ऐसे नेता को संगठन चुने जो सभी को साथ लेकर मजबूती से काम करे और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमेशा से पार्टी से उम्मीद रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुंच जाता है। तो उम्मीद तो पूरी है और पार्टी के जो भी शीर्ष नेता हमको जिम्मेदारी देंगे उसको हम बखूबी निभाएंगे। युवा मोर्चा प्रदेश में बैठी निकम्मी सरकार की ताल से ताल बजा देगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। देखिए, विपक्ष की भूमिका हम पूरी पुरजोर विरोध से निभाएंगे। जो भी सरकार की नाकामियां उसको जनता के बीच लाएंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और जनता की हक की लड़ाई लड़ेंगे। रिपोर्ट खटपट न्यूज़ रायपुर।